Hello friends, welcome. So today we are going to discuss about grade system, grade tree. उसमें एक grade की form में दिया होता है बेटा. तो कोई certain employee are entitled to graded system. उसके अंदर क्या होता है, जो normal annual increment रहेंगे वो already एक fixed grade में रहेंगे. जैसे कोई example, एक employee ने 1/5/2015 को अपनी duty join की और place in the grade of, मान लो उसको ऐसे लिखा रहता, देखो आपको समझ, आप देखते ही समझ जाओगे कि ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, 12,200, 300, 17,400, 500 and then 19,400. इसका मतलब ये होता है कि उसकी बेसिक लगेगी इतनी. तो 1/5/2015 को ही विल गेट दिस मच बेसिक, ठीक है. फिर उसके बाद 30/4/2016 को यू विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 300. तो 300 का इंक्रीमेंट मिलेगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 12,500 रुपीज हो जाएगा. तो अगले फिर उसको 1/5/2016 से 34/2017 तक उस पर फिर 300 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा. तो इसको कितना जब 12,800. So, आगे ऐसे करते 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 बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 17,400. अब नेक्स्ट ईयर जो भी, नेक्स्ट ईयर में जो भी ईयर आएगा उसके बाद आपको 300 का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, अब कितने का लगेगा, 500 का. तो इसमें 500 का इंक्रीमेंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 7,900. फिर उसके बाद अगले साल कितना हो जाएगा, 18,400. और ये तब कब तक चलेगा, 19,400. फिर उसके बाद कब तक चलेगा ये, 19,400. उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगना बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. तो फाइनल आपकी सैलरी यहीं पे स्टेगनेंट हो जाएगी. तो उसके केस में हम एक एग्जांपल लेके करते हैं. मैंने ऑलरेडी पहले एग्जांपल की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है. मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ही ज्वाइंड द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ दिस 12,300, 13,800, 400, 17,800. कंप्यूट इज बेसिक सैलरी फॉर दिस असेसमेंट ईयर. दिस असेसमेंट ईयर यू हैव टू कंप्यूट इज बेसिक. तो असेसमेंट मीन्स प्रीवियस ईयर कितना रहेगा बेटा, 22, 23. सो पहले ही मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है. जैसे 1/6/11 पहले कब ज्वाइन किया, 1/6 अप्रैल में जून, 1 जून 2011 को उसने ज्वाइन किया. तो उसको इधर तक कितनी मिलेगी सैलरी, 12,000 रुपये. अब 1/6/12 से 31/5/13 तक उसमें कितने का इंक्रीमेंट लगेगा, 300 का. तो ये कितने का सैलरी हो जाएगी बेटा, 12,300 की. फिर 1/6/13 से 31/5/14 तक फिर 300 रुपये लगेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12,600. फिर अगले साल 1/4/14 से 31/5/15 तक फिर 300 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12,900 रुपये. फिर उसमें 300 रुपये लगेंगे अगले साल, तो 12,000 की बजाय ये कितना हो जाएगा बेटा, 13,200. इसमें 300 रुपये हमने ऐड कर दिए. अब उसके बाद इसमें फिर से हमें 300 रुपये ऐड करने पड़ेंगे अगले साल के लिए, करने पड़ेंगे कि नहीं, हाँ करने पड़ेंगे. तो फिर कितना हो जाएगा ये, 13,600, ठीक है. अब देखो 13,600 के बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 500 आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना. और ये कितना जाएगा, 300 ऐड करेंगे तो 13,500. फिर नेक्स्ट ईयर 300 ऐड करेंगे तो 13,000 कितना हो जाएगा, 800. अब देखो ये 13,800, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर मैच हो गई. अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा आगे से, 400 का. तो इस साल कितना इंक्रीमेंट होगा इसमें, 400 का. चलो तो इसमें 13,800 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 14,200 रुपीज, ठीक है. अब फिर कितने का ऐड होगा, फिर 400 का. तो 14,000 कितना हो जाएगा, 600, ठीक है. फिर कितने का ऐड होगा, 400, तो कितना हो जाएगा बेटा, 15,000 पूरा का पूरा. अब फिर इसमें 400 ऐड होगा तो कितना आएगा, 15,400. और फिर 400 ऐड होएगा तो 15,800. तो मतलब ये हुआ कि देखो 1/6/22 से 31 मई 23 तक 15,800 हो गया. तो हमें किसका निकालना है, फॉर
प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, यानी कि 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक निकालना है हमें। ये हमें ये निकालना कि कितनी सैलरी रहेगी उसकी। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखो बेटा 1/4/22, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4/22 और 1/5/22, यानी कि अप्रैल और मई के 2 महीने आ रहे हैं, तो 15,400 तो इस साल मिले, और गुणा में 2 और प्लस में कर देंगे बेटा, ये कितना। फिर देखो 6 का महीना पूरा, मतलब जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और अप्रैल मई वाला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, तो इसलिए हम देंगे नहीं। तो इसके अंदर कितनी सैलरी थी, 15,800। तो इसको किससे गुना कर देंगे बेटा, ये 10 महीने होंगे ना इस प्रीवियस ईयर के, तो इस पीरियड 10 महीने, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 10 से। तो देखो ये कितना हो गया, 1,58,000। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, एक बार ऐड करो, 2 4 8, 15 2 30, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 30,800। तो कितना हो गया बेटा, 30,800 रुपये। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 800 800 और ये 8, तो कितना आ गया बेटा, 1,88,800 इज द टोटल आंसर। सो दिस इज हाउ द ग्रेडिंग सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ द ग्रेडिंग। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 400 के बाद आफ्टर सम टाइम यू विल रीच टू 17,800, देन बेटा देर विल बी नो इंक्रीमेंट, देर विल बी नो इंक्रीमेंट, बिकॉज हमारा ग्रेड सिस्टम में यहाँ तक ही लिखा है। तो जब ग्रेड सिस्टम में लिखा है इधर तक है, ये अमाउंट रीच हो गई, तो उसके बाद कोई इंक्रीमेंट लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, दिस असेसमेंट ईयर। अब देखो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी सेम करने वाले हैं, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे है बेटा, देखो मैं बताता हूँ, मैंने पहले इसकी स्टेटमेंट लगा के रखी हुई है। उसमें ये है कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ही ज्वाइन सर्विस ऑन 1/8, दिस इज ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, 1/8, और सैलरी वाज फिक्स्ड फॉर, जब ज्वाइन करना है तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी उसको, 12,000, बट मिली कितने उसको, कितने पे फिक्स किया उसको, फिक्स कर दी 14,200 पे। कोई बात नहीं, अब हम ज्वाइनिंग में 12,000 से ना लेके, 12,000 से ना लेके हम कितने से शुरू करेंगे, 14,000, क्योंकि ज्वाइन करने के टाइम पे उसकी सैलरी क्या है ना, हायर अमाउंट पे फिक्स कर दो, जिस अमाउंट पे फिक्स कर दो ज्वाइनिंग टाइम पे, वही अमाउंट लेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखो इट्स वेरी इजी वे, मेरे साथ करो तुम सब लोग, जैसे 1/8/2018 से 30, अभी 8 का महीना तो जुलाई में भी 31 होते हैं, 7/19, इस पूरे साल के अंदर उसको कितने मिलेंगे, 14,200 रुपीज, ज्वाइनिंग के टाइम पे इतनी फिक्स है, तो पूरे साल ये इतनी ही रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर 1/8/19 से, ठीक है, 1/8/19 से 31/7/20 तक कितना ऐड होएगा, 300 हो जाएगा, 14,500 हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1/8/20 से 31/7/21, फिर इसमें 300 हो जाएगा, तो 14,800 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब 1/8/21 से 31/7/22 तक, तो इसमें क्या होगा बेटा। अब एक बात आपने देखी यहां पे, हमने देखो गलती कर दी यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सैलरी कितने पे फिक्स की गई है, सैलरी फिक्स है 14,200 पे, तो 14,200 तो इससे ज्यादा ना, 14,200 तो 13,800 से, तो हम 300 का इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, इट मींस हम गलत कर रहे हैं, तो 300 का इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, शुरू से कितने का करेंगे, 400 का। चलो ठीक है, हमें अभी पता चल गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन करते उसके बाद पता चलता तो और मिस्टेक होती। तो ठीक है, अब हम मिस्टेक हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ पे 14,200, लेकिन अब 400 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 14,600, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15,000, यहाँ पे 15,400। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो एक साल के लिए और निकालना पड़ेगा, अभी 1/8/22 से लेकर 31/7/23, इसमें कितना इंक्रीमेंट, फिर 400, तो 15,000 कितना हो जाएगा बेटा, 800 रुपीज आएगा। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें दो की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये वाला पार्ट
और ये वाले पार्ट में भी कुछ आधा हिस्सा। तो यहां तक देखो, 1 8 21 से इसमें 8 का महीना मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद अप्रैल 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 मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक नहीं जाएगा, जुलाई तक ही रहेगा 7 का महीना। तो 1 2 3 4 4 महीने आ गए, तो 15,400 15,400 कितने दिन तक रहा, 4 महीने तक। तो इसमें कौन कौन सा महीना आ गया बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। तो बाकी के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने कितनी रही, 15,800। तो 15,800 इंटू में 8, तो पूरे साल का 8 और 4 12 महीने हो गए, तो पूरे साल का आ जाएगा। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 15 4 60 एंड 1 61, तो 16,600। और ये कितना आ गया बेटा, 2 0 से तो 8 8 64 6 इज द कैरी, यू टू 15 6 90 15 7 155 8 120 120 में 6 और ऐड कर दो तो 126। ऐसे याद करते थे जब छोटे थे, 15 15 30 35 45, अभी वही चल रहे हैं। तो 0 यहाँ पे फिर 0, 7 और 1 8 8 8, तो कितना आ गया बेटा, 1,88,000 आ गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बस इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में सेम ही था, बस ओनली डिफरेंस इज जो ज्वाइनिंग टाइम था वही हमें लेके चलना है। ज्वाइनिंग टाइम पे जो सैलरी फिक्स कर दी उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट देना है। तो हमने देखो शुरू में क्या गलती करी थी, हमने 300 का इंक्रीमेंट देखना चाहिए था। यहाँ पे जो ये वाली ग्रेड है तो 14,200 इस ग्रेड से ज्यादा तो 400 का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 400 का इंक्रीमेंट देते देते हम चले गए। और जिस भी साल का हमने, तो जितने महीने एक्स्ट्रा है और यहाँ पे कितने महीने कम है वो सब ऐड करके हमने उसकी फाइनल फिगर निकाल दी। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही आजकल बहुत बेसिक सी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे बताइए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और किस पे आप वीडियो चाहते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा लगता है कि टफ है, अगर आप करा दोगे सर तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पक्का उसके ऊपर बना के आपका आपके ऊपर मेहनत करूंगा। और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।